आगामी दो दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी के दृष्टिगत नालागढ़ उपमंडल में विद्युत तथा जल आपूर्ति की सुचारू आपूर्ति के दृष्टिगत SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुज्जर ने बिजली बोर्ड तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा महामारी अधिनियम 1897 के तहत जारी आदेशों में SDM नालागढ़ ने बिजली बोर्ड नालागढ़ तथा बद्दी के अधिशासी अभियंताओं के अलावा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं। वे क्षेत्र में बिजली तथा पानी की नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र में विशेष टीमें गठित करें। चूंकि जो ताऊते जो तूफान आ रहा है पूरे भारत के जो पश्चिमी किनारे पर, तो इसमें हम लोग पूर्वी किनारे सॉरी, तो हम लोग इसमें ये देखना चाह रहे थे कि क्या इसका प्रभाव अगर बारिश या तूफान हिमाचल में आता है तो जो अस्पताल है जहाँ पर कोविड मरीज भर्ती है तो उनकी बिजली सप्लाई और बिजली पानी की सप्लाई डिस्टर्ब ना हो और ऑक्सीजन प्लांट को कंटिन्यूस बिजली मिलती रहे, इसके लिए 24/7 टीम बनाने का निर्देश हमने दे दिया है बिजली विभाग और IPH के अधिकारियों। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।